हेलो जी। तो अभियान को मैंने नहला दिया है और ये इसको अभी मैं रेडी कर दूंगी, क्योंकि ये जाएगा अपने पापा के साथ बाहर थोड़ा सामान लाने और केक लाने। केक का ऑर्डर पहले से दिया हुआ था, बट आज जाकर ले आएंगे और फ्रिज में रख देंगे उसको। तो अभी मैं इसको रेडी कर देती हूँ, नहा लिया है इसने, और रेडी करके फिर मिलती हूँ। आओ ऊपर आओ, ऊपर चलो। अब व्यान को मैंने रेडी कर दिया है, अब मैं इसको देती हूँ उसके पापा के पास और मैं भी जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा फ्रेश नहीं लग रहा। नहा लूंगी तो थोड़ा शकल वगैरह भी, थोड़ा मेकअप कर लूंगी तो सही रहेगा वीडियो बनाने में, इसीलिए चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अव्यान और उसके पापा मार्केट से आ गए थे उसके लिए गिफ्ट लेकर, अव्यान के लिए, और केक भी लेकर आ गए थे। और यहाँ पे डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गया था, बस थोड़ा बहुत बाकी था डेकोरेशन, तो वो कंप्लीट हो रहा था देखिए। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत काम जो डेकोरेशन के बाद था, क्लीनिंग का, वो मैं करने वाली थी, क्योंकि भैया थोड़े बहुत जो बलून फट गए थे वो सब गिरे हुए थे, कारपेट वगैरह भी छाना था, तो वो सब मैं बाद में जब बलून अच्छे से सज जाएगा तो उसके बाद मैं क्लीनिंग करने वाली थी। तो यहाँ पे आप लोग को डेकोरेशन कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए गेट है हमारा, एंट्रेंस जो एंट्रेंस है घर का, तो यहाँ पे गेट है और गेट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे भी बलून लगवा दिया था थोड़े बहुत हमने, और मेन बलून जो लगाया था जहाँ पे हम लोग ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था वहाँ। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे 5:30 और रूम डेकोरेट हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे रूम डेकोरेशन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से बचे हुए हैं फ्राइड राइस बनाना, पुलाव बनाना, वो मैं वेज पुलाव बना लेती हूँ, उसके बाद रेडी होने जाते हैं। तो यहाँ पे रूम को मैंने क्लीन करवा लिया था, बलून अच्छे से सजा, मतलब डेकोरेशन हो गया था रूम का, तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से और कारपेट वगैरह लगा दिया था, जो भी सामान जैसे मतलब प्रॉपर्ली रखा जाता है वैसे रख दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अव्यान को रेडी करने के लिए, क्योंकि 7 बजने वाले थे, तो मैं सोची अव्यान को रेडी कर देती हूँ पहले, फिर मैं भी रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम रहेगा वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये अव्यान के पापा लेकर आए हैं उसके लिए गिफ्ट, क्योंकि मैंने जो मंगाया था फर्स्ट क्राई से गिफ्ट, मतलब अव्यान के लिए ड्रेस, वो मुझे पसंद नहीं आया, आने के बाद उसकी क्वालिटी मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने रिटर्न करा दिया। बाद में मैं कुछ अव्यान को कुछ और गिफ्ट दूँगी। तो यहाँ पे अव्यान के पापा उसी दिन लेकर आए ये ड्रेस, क्योंकि पहनाने के लिए, क्योंकि ड्रेस मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने बोला कि आप लेकर आ जाओ बाहर से मार्केट से, तो वो लेकर आए थे। अव्यान को साथ लेकर गए थे क्योंकि वहाँ पे चेक पहना कर चेक करने के लिए, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे इसका कपड़ा लेकर आ गए थे और बिल्कुल परफेक्टली मतलब फिट हो गया था इसको, एकदम ज़्यादा ना तो बड़ा था और छोटा भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्टली कपड़ा था, मतलब फिट हो गया था अच्छे से। और यहाँ पे कलर भी मुझे सही लगा कपड़े का, जो भी है अच्छा लेकर आए वो हस्बैंड। उसके बाद यहाँ पे अपने शूज़ से खेल रहा है, जबकि इसका ये पुराना शूज़ है, नया शूज़ भी लेकर आए थे हस्बैंड। तो बस मैं यहाँ पे इसको कपड़े पहना रही हूँ और रेडी करूँगी, पर ये रेडी होने में इतनी नौटंकी करता है ना, इतनी परेशान करता है ना, मुझे पता नहीं मैं क्या, मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी जब ये बहुत परेशान करता है, रेडी नहीं होता अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसको कपड़े पहना दिए, उसके बाद मैंने ये कोट पहना दिया उसको, ये कोट बड़ा अच्छा लगता है और ये मतलब इसको अच्छे से, इसके ऊपर अच्छा भी लग रहा था और कलर भी अच्छा था कोट का और फिट भी हो गया था इसको अच्छे से। तो बस यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद इसके फिर मुँह में क्रीम वगैरह जो भी होता है बच्चे का, लोशन क्रीम वगैरह लगा दिया था मैंने, और काजल का टीका भी लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे इसको रेडी करने के बाद फिर मैं इसको एक मतलब पुरानी वाली जो इसने गले में चेन पहन रखा है उसको मैंने फिर निकाला, क्योंकि बहुत टाइम से पहन रखा, तो मैंने सोचा आज इसको नया वाला चैन पहनाते हैं जो इसकी मासी ने इसे गिफ्ट दिया था जब मैं कोलकाता गई थी। तो देखिए यहाँ पे ये नया वाला चेन है जो मेरी मजली वाली सिस्टर ने दिया था अव्यान को गिफ्ट में, क्योंकि वो तो नहीं आ सकती थी दिल्ली बर्थडे में, तो उसने पहले ही गिफ्ट दे दिया था इसको, तो वही वाली मैंने इसको पहना दिया। और मैंने फिर इसके हाथ में भी फिर
कड़ा पहनाया जो इसे अव्यान को गिफ्ट मिला था मेरे स्टूडेंट की मम्मी की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी हैं वो, तो मेरा अभी बात होता है उनसे। तो बस मैं गई थी उनसे मिलने, तो अव्यान को उन्होंने गिफ्ट दिया था ये। तो यहाँ पे देखिए मैं वही पहना रही हूँ अव्यान को, कड़ा और चेन भी मैंने पहना दिया है क्योंकि आज स्पेशल डे है अव्यान के लिए, तो मैंने सोचा कि पहना देती हूँ तो अच्छा लगेगा। और मतलब एक होता ना कि सब कुछ पहन के रखो तो अच्छा लगता है, लेकिन ये डेली वेयर के लिए नहीं पहनाती हूँ, अव्यान खोल देता है बार बार इसीलिए। उसके बाद मैंने अव्यान को ये नए वाले शूज़ पहनाए जो इसके मामा ने इसे गिफ्ट किया है। ये देखिए ये नया वाला शूज़ जो है इसके मामा ने इसको गिफ्ट किया है, तो वही मैं पहना दी हूँ। और इसके बाद इसको मैं रेडी कर दूँगी प्रॉपरली और इसको भेज दूँगी नीचे बर्थडे के लिए। हस्बैंड इसको लेके चले जाते हैं, फिर मैं रेडी होती हूँ क्योंकि ये मुझे रेडी होने देता नहीं है, इसीलिए इसको पहले मैं रेडी करके भेज देती हूँ नीचे, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हैप्पी बर्थडे छोना, हैप्पी बर्थडे छोना बेटा। हेलो गाइस, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, मेरा छोना बेटा भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे अभियान को लेके, सारे गेस्ट भी आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं रेडी होकर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी कचौड़ियाँ तल लेती हूँ क्योंकि उस समय जब खाने लगेंगे सब तो फिर जल्दी जल्दी मैं अकेले कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कचौड़ी तल के रख लिया पहले ही इसीलिए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद ही सब गेस्ट आने लग गए थे क्योंकि 7 से 7:30 मतलब बज रहा था, तो सब गेस्ट आ रहे थे। उसके बाद फिर बर्थडे भी मतलब सेलिब्रेट करना, केक कटिंग भी है, उसके बाद फिर डिनर का प्लान था। तो उसके पहले हम मतलब नाश्ता वास्ता दिया था हमने, तो वो सब भी है, उसके बाद डिनर का प्लानिंग था। तो मैं इसीलिए थोड़ी सी कचौड़ियाँ तल रही थी कि तल के रख लूँगी तो उस समय ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी खिलाने में सबको। देखिए मैं और ये जो थोड़ी सी कचौड़ियाँ तल रही हूँ कि मतलब और भी गेस्ट जो हैं उनके आने से पहले थोड़ा कचौड़ियाँ तल के रख लूँ कि परेशानी नहीं होती है ना, सारे लोग आ जाते हैं उसके बाद फिर आप गेस्ट को अटेंड करोगे या किचन में रहोगे इसीलिए। तो यहाँ पे थोड़ी मेरी हेल्प कर रही थी वो। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे गेस्ट आने लग गए थे, जैसे मेरी ये एक फ्रेंड है वो आई थी अपने बेटे को बेटे के साथ, क्योंकि बच्चे का पार्टी है, बर्थडे पार्टी, तो बच्चा आना तो जरूरी है। आज शोना, आज आज मम्मा के पास आ जाओ। गाना तो चेंज करिए। अगर ये सीधा लाते ना तो मुझे दूरी नहीं रखते। गली 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 लाया ना, ये तो पांच रोड से आने से ना सीधा गली।
बलून लेने में देखो कैसे कर रहा है। दोनों की सेम ही है ना, इक्वल है। हाँ हाँ दोनों का सेम ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारा बैलून अभी नहीं निकालना बेटा। हाँ अभी नहीं निकालना सारा बैलून, अभी अभी हैप्पी बर्थडे होने दो। हाँ ये तो डांस सीखते हैं ना, करें वीडियो बनाएंगे, करो गाना बजा। कौन से गाने पे बताओ, कौन से गाने पे करना है? एलेक्सा बर्थडे सॉन्ग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Sorry, sorry. Let me. 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 Let
बाबू देखो। तो बर्थडे हो गया था और बर्थडे होने के बाद फिर हमने सबका डिनर लगा दिया और डिनर बहुत टेस्टी बना था। सारी सब्जियां, खीर, पूड़ी जो भी बनाया था मैंने बहुत टेस्टी बना था। सब ने तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा खाना बना है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत करो और तारीफ़ मिले ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो डिनर करने के बाद सब एक एक करके अपने घर चले गए। बहुत दिनों के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा सबसे। वही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट कब मिलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सब जा रहे हैं अपने अपने घर और बहुत सारे लोग चले गए थे। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी तो लास्ट में मैंने ये वीडियो बना लिया। और अब व्यान को देखिए, पहली बार ये भैया से मिले थे और उनके गोदी में है वो, वरना किसी के पास जाता नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बस जा ये देखो अब व्यान को, अभी ये खेल रहा था और अभी ये मैंने जैसे कैमरा ऑन किया तो ये आकर व्यान छोड़ो, नहीं सॉल्ट नहीं, टूट जाएगा बेटा वो, टूट जाएगा। शोना दे दो मुझे, ये देखिए अब इसको, ये डायपर में घूमने वाला बच्चा पूरे कपड़े पहन के बर्थडे मना लिया है, उसके बाद ये डायपर में घूम रहा है। ये देखिए इसके चप्पल नहीं, एकदम बैड बॉय हो गए हो आप, बैड बॉय, नंगू पुंगू, ओए ओए बैड बॉय। हैप्पी बर्थडे हो गया आपका, हैप्पी बर्थडे हो गया आपका, बर्थडे खत्म हो गया। ओए डायपर वाले बच्चे, ओए नंगू पुंगू, शोना, हैप्पी बर्थडे मेरा पुचू, हैप्पी बर्थडे बेटू। तो देखा आपने अभियान की शैतानी, ये पूरा दिन ऐसा ही चलता रहेगा, इसकी शैतानी तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। हेलो गाइस, बर्थडे हो गया है, सब कोई चले गए और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मन कर रहा कि बस लेट जाए बिस्तर पे। कंटिन्यू सुबह से उठ के अभी तक मैं कंटिन्यू खड़ी थी, मतलब मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया। ऊपर से ये मेरा बच्चा जो है, इसने मुझे आज बहुत परेशान किया। और अब चाहती हूँ मैं कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। पता है क्या होता, ओ व्यान छोड़ो, पता है क्या है, इतना सारा मैंने खाना बनाया लेकिन मुझे खुद खाने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। जब कोई, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जब आप खाना बनाओ ना तो आपको मन नहीं करेगा खाना खाने का, मतलब देख के ही पेट भर जाएगा इतना सारा खाना। मैं अभी तक मतलब अच्छे से सुबह से मैं खाना नहीं खाई हूँ, फिर भी मुझे मन नहीं कर रहा खाने का, भूख भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। चलो जो टेंशन था हो गया, कंप्लीट हो गया, बर्थडे वगैरह सब हो गया, अच्छे से सब कुछ निपट गया। खाना भी बहुत अच्छा बना था, सबने तारीफ किया, बहुत अच्छा बना था खाना। और आप लोग के साथ सारा ब्लॉग शेयर करूंगी मैं, तो वीडियो में कंटिन्यू मेरे बने रहिएगा। बैक टू बैक दो वीडियो आने वाली है, जैसे कि अभी मैं
बर्थडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहें शेयर करना तो। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखना ना भूलें मेरे बेटे को, बहुत सारी ब्लेसिंग दें आप लोग मेरे बच्चे को। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात तो बताना भूल ही गई कि अव्यान का एक छोटा सा फ्रेंड है, बिल्कुल अव्यान के सेम साइज का, उसी के उम्र का, जो मैं इनवाइट की थी अपने फ्रेंड को, उनका भी बेबी बिल्कुल अव्यान जैसा ही है, सेम उम्र का है। तो कल उसका बर्थडे है, आज अव्यान का बर्थडे है और अव्यान का बर्थडे था और कल उस छोटे से बेबी का बर्थडे है, तो कल हम उनके बर्थडे में जा रहे हैं, कल उसकी ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। तो चलिए फाइनली बहुत सारी बातें हो गई है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। बहुत थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, और हम लोग अभी खाना नहीं खाए हैं, हस्बैंड भैया और मैं, तो अभी खाएंगे। तो चलिए।